up, flex, thumb down that, check, no drip, this, wet, tell him run it up, no sleep, no. Hey guys, today is day one और हम जा रहे हैं दिल्ली to where अभी देखते हैं, अगर आपको description से पता लगेगा तो just make it out. और आज हम करने वाले हैं बहुत ज़्यादा explore, आज के बाद जितने भी places हैं बहुत ज़्यादा explore करने वाले हैं. लेकिन सबसे पहले bike install करना, bike ready करना बहुत important है. वाह, airport के पास रहने का फ़ायदा देखो कि ये शोर आता रहता है. तो guys, bike is almost all set, तो हम क्या करते हैं, सामान को अच्छे से load करते हैं and see you in a while. So guys, officially, chalo, solo Spiti ride is started with my wife. Solo because we are going in one bike, the solo biker. And this is a new setup I've got for my bike. This is a new dry bag from Hepco Becker. Kyunki mereko Rhinox ka mila nahi in emergency. Aur again, we have taken limited luggage. Kyunki zyada overload mein nahi karna chahta tha bike pe. This is how we get on to the bike. Pehle wife chadhti hai. Chadh ja. ये गई मैडम पीछे एंड देन आई गो ऑन टू द बाइक. दिस इज हाउ इट इज, यू नो, मोर कंफर्टेबल टू जंप ऑन टू द बाइक एंड हियर वी आर फाइनली ड्राइविंग फॉर शिमला राइड, द फर्स्ट डे ऑफ स्पीति. दिल्ली की खाली सड़कों पे दौड़ता हमारा डॉलर शिमला की तरफ. गाइज, हमने दिल्ली एग्जिट कर लिया है और आप सोच रहे होंगे आज हम कहाँ जा रहे हैं. यस, हम जा रहे हैं शिमला, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको. और शिमला का रास्ता है अराउंड 350 या 60 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली, और मैप दिखा रहा है कि वहाँ तक जाने में लगेंगे 7 घंटे. क्यों हम जा रहे हैं शिमला, उसके बारे में हम बात करेंगे, और उसके आगे हम एक दिन में क्यों नहीं जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे. तो राइड को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं हाईवे को और साथ में इन्जॉय करते हैं इस खूबसूरत सुबह को. बाइक व्लॉग वरुण की तरफ से कैमरा सैल्यूट आर्मी को, जय हिंद. हम जा रहे हैं पंजाब की तरफ, इसलिए आपको दिख रही है मर्सिडीज, जैगुआर, बीएमडब्ल्यू, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, क्योंकि पंजाबियों को गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक होता है. और आज इस हाईवे पे है थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी. आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब हम गए थे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग थी, और उसके कंपेरेटिवली आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है. बट हमारा फर्स्ट स्टॉप होगा अम्बाला में, वहाँ करेंगे हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट और फिर चलेंगे सीधा शिमला की तरफ. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. मेरी बीवी पगला गई है, बोल रही है कि पानीपत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुई थी, पगला गई तो ना. अरे अम्बाला की गलियां जहाँ पे मैंने साइकिल चलानी सीखी, आज मैं बीएमडब्ल्यू चला रहा हूँ. यस, यही वो सड़क है जहाँ पे मैंने साइकिल चलानी सीखी थी और अपना घुटना भी तोड़वाया था साथ में. तो हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं मेरे मामा के घर, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करते हैं. टाइम हो रहा है 10 बजे, कोशिश करेंगे 11 बजे से पहले हम निकल जाएँ, क्योंकि 2 बजे तक या 2:30 बजे तक शिमला पहुँच के शिमला दिखाते हैं आपको, ये गर्मी से सर्दी तक. ठीक है, सो लेट्स स्टॉप हियर एंड सी यू इन अ व्हाइल. ओ पंजाबी आदि शान, मैं हूँ अम्बाला में, यहाँ पे बहुत सारे पंजाबी रहते हैं. और अब हम निकले हैं शिमला के लिए. गाइस, चलो सोलो स्पीति का एक मिशन है, वो मिशन क्या है मैं आपको समझाता हूँ. और आई थिंक ये बहुत एक यूनिक मिशन है जो शायद किसी ने भी नहीं किया होगा, या किया होगा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता था इस पर्टिकुलर राइड के ऊपर. तो शिमला चलते चलते आपसे बात करते हैं ऑन द वे. कैमरा के सामने, कैमरा के पीछे बहुत देर रह लिया. Por lo que se narra, su mejor amiga es la barra.
सबसे पहला और सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट है मेरे इस राइड का कि यह है बहुत लंबी राइड, अराउंड 7000 किलोमीटर लंबी राइड होने वाली है। मेरे पास ना कोई बैकअप वैन है, ना मेरे पास कोई एक ग्रुप है, मैं हूँ सोलो। तो ऐसी राइड करना एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत पर्सनल अचीवमेंट है ये, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये एक बहुत यूनिक चीज़ है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं या फिर बहुत कम लोग करने की हिम्मत रखते हैं। ये देखो पाजी को, अगर हम भी ऐसी गाड़ी साफ़ करने लगे हर जगह रुक के तो तुम्हारी राइड कभी भी पूरी ना हो। कॉलिन कपड़ा सब लेके चलना पाजी, क्या कहते हो? मुझे भी ऐसे ही कॉलिन और कपड़ा लेके चलना चाहिए क्या? डॉलर के लिए कितना गंदा हो गया, देखो देखो कितनी मिट्टी है। कैसे निकलेगी? निकलेगी क्या? निकलेगी क्या? निकल गई। यही तो फायदा BMW का, हैंडल निकलता है तो पूरी बाइक निकल जाती है। दिस इज द बेनिफिट। तो गाइस ये अमेजिंग व्यू देखो, मैं तो खुद बाइक चलाने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा रुक जाऊं, लेकिन शिमला जाना है। चलो सोलो स्पीति। तो गाइज मैं रुका हूँ शिमला में और ये है मेरा ब्यूटीफुल होटल सिल्वराइन। सिल्वराइन होटल में मैं रुका हूँ और देखो ये रोड देख रहे हो कितनी स्टीप रोड है। यहाँ से मैं बाइक लेके आया हूँ और बाइक मेरी खड़ी है नीचे। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपना सारा जो डेटा अभी तक हमने क्रिएट किया है वो हम कॉपी करेंगे लैपटॉप के अंदर, ठीक है, और सारे गैजेट्स को हम खाली कर लेंगे। मुँह से धुआं आ रहा है, रियलाइज़ नहीं हो रहा गाइज, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। और अभी हमारे यहाँ से आगे जाने का जो प्रिपरेशन है वो ऐसा रहेगा कि हम अभी जाएंगे ऊपर मॉल रोड पे। मॉल रोड पे जाने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्लव्स खरीदेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हमें चाहिए कुछ वुलन क्लोथ्स। वुलन क्लोथ्स इन द सेंस हम लेंगे एक कैप अपने सर को कवर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर इतनी ज़्यादा ठंड है तो ऑब्वियसली आगे जाके बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है और हो सकता है स्नोफॉल मिले एंड ऑल। तो हम लेंगे एक कैप, ग्लव्स और वुलन सॉक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो मेरी बाइक वहाँ पे पार्क्ड है और मैं वहाँ से ऊपर स्टीप रोड से लेके आया हूँ, तो इसको निकालने में बहुत ज़्यादा मशक्कत होने वाली है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तो अभी हम क्या करते हैं, चलते हैं थोड़ा सा शॉपिंग करते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पे किस टाइप के वुलन क्लोथ्स मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे आते हो डोंट वरी, यू कैन कम विदाउट एनीथिंग, यहाँ पे आओ उसके बाद आप शॉपिंग करो। यहाँ के जो कपड़े हैं वो यहीं के वेदर के लिए बने हैं तो वो बेस्ट रहेंगे। अगर आप दिल्ली से, मैं ये जैकेट खरीद के लाया था स्वेट, उसने बोला है वार्म होगा लेकिन इट्स नॉट एट ऑल वार्म, ये बहुत ज़्यादा इसमें ठंड लग रही है। दिस इज़ अ वन टिप फॉर यू, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो यहीं से कपड़े खरीदो यहीं के वेदर के लिए। कुलचा और अंडा खाने के बाद अब मैं खा रहा हूँ पिज़्ज़ा। ये है चीज़ बर्स्ट। शिमला से मेरी बहुत बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, स्पेशली मैं पहले शिमला आया करता था, मेरी वाइफ तब मुंबई में थी, मैं शिमला आता था अपने दोस्त अंकित के साथ, जिसके साथ मैंने रिसेंटली एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पिज़्ज़ा खाना और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ दो और यूनिक बातें जो है मेरी इस ट्रिप की चलो सोलो स्पीति। नंबर वन जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 7000 किलोमीटर्स जो बहुत कम लोग करते हैं। सेकेंड यूनिक है कि दिस इज़ अ कम्प्लीटली अनप्लान ट्रिप। मैं यहाँ पे शिमला आया, उसके बाद मैंने लोकलाइट्स लोगों से बात करी, उसके बाद मैंने होटल लिया। बहुत इजी है यहाँ पे होटल मिलना, आपको 1500 तक बहुत फर्स्ट क्लास 3 स्टार होटल मिल जाएगा, जो आप यू नो
आपको इतना वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे बस से भी आ सकते हो, ट्रेन से भी आ सकते हो, टैक्सी से भी आ सकते हो, अपनी बाइक से भी आ सकते हो। लेकिन मेक श्योर, बहुत सारे होटल्स में यहाँ पे बाइक पार्किंग नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको रोड पे या फिर प्राइवेट पार्किंग जिसको पेड पार्किंग बोलते हैं, वहाँ पे आपको बाइक पार्क करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया है, होटल लिया है, होटल के अंदर पार्किंग है, वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कैसा होटल है, कैसा सेटअप है एंड ऑल दोस थिंग्स। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हो गया। थर्ड यूनिक थिंग जो है इस ट्रिप के बारे में वो ये है कि यू नो आई डोंट हैव एनी बैकअप। लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स में आते हैं तो उनके पास बैकअप्स होते हैं, लोग उनको हेल्प करते हैं रिवर क्रॉसिंग में, एंड यू नो उनके पास एक पीस ऑफ माइंड होता है कि उनके पास एक बैकअप गाड़ी चल रही है जो उनकी गाड़ी को, उनकी बाइक को उठा के सर्विस सेंटर पहुँचा सकते हैं। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी बैकअप नहीं है, कोई RSA नहीं है, कोई टेक्नीशियन नहीं है, मैं ही ड्राइवर हूँ, मैं ही टेक्नीशियन हूँ एंड ऑल दोस थिंग्स। तो या दिस इज़ ऑल्सो वेरी यूनिक, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ग्रुप्स के साथ आ जाते हो, आप ग्रुप के साथ आते हो, आप होटल के पैकेजेस बुक करके आते हो, आप टूर एंड ट्रैवल को जानते हो, और यू नो बहुत इजी हो जाता है। तो आई डोंट कॉल इट एन एक्चुअल एडवेंचर, बट सिंस यू नो दैट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन एडवेंचर्स, एंड मेरी मनाली ट्रिप भी वैसी ही थी। मैंने गलती से 2 होटल बुक कर दिए थे लेकिन उनको मज़ा नहीं आया। उसके बाद मैंने लास्ट दिसंबर में जो मनाली ट्रिप करी थी उसमें एक भी होटल पहले से प्लान नहीं किया, जहाँ गया जो पसंद आया, जो लोकेशन पसंद आया वहाँ पे रुका और वहाँ पे इंजॉय किया। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आई होप यू लाइक्ड इट। और इस मॉल रोड को हम एक्सप्लोर करेंगे, और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, एंड आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर माय चलो सोलो स्पीति राइड विद माय वाइफ पल्लवी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे हैप्पी। We'll be right back.